हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए। क्रोम ब्राउजर को मैंने ओपन किया, फिर उसमें साइन इन फर्स्ट जो आएगा उसे टिक करेंगे तो आपके चैनल का पेज लोगो आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3 डॉट आया। मैं इसको डेस्कटॉप वर्जन कर देता हूँ, यानी कंप्यूटर की तरह काम करेगा हमारा मोबाइल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा चैनल का लोगो आ जाएगा 3 डॉट के नीचे ही। उससे पता चलेगा कि हम अपने चैनल में लॉगिन हो गए हैं। क्यों दिखा रहा है हमें? इस तरह पे जाएगा। देखिए मेरा कॉपीराइट आया है और मैं रिमूव करके रिक्वेस्ट दे दिया हूँ। रिमूव की प्रोसेस शुरू है। कहाँ से करना है चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह आप वीडियो के ऑप्शन पर जाएंगे नीचे सेकंड नंबर का, तो जिस वीडियो में आपका कॉपीराइट आया है उसे आप राइट करेंगे। मैंने राइट कर लिया तो ऊपर लिखा आ जाएगा कॉपीराइट। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो इस तरह आप कंटेंट है, लाइक है, तो मैं अपने जिस वीडियो में आया उसके सामने ही यहाँ दिखेगा। थोड़ा आगे करेंगे, लेट व्यूज लाइक। अभी मैंने रिक्वेस्ट लगा दी है इसलिए यहाँ से निकल गया है। इसी वीडियो में हम चले जाते हैं। इस वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है तो उसके बारे में रिव्यू में आएगा। और इसके बाद थोड़ा स्क्रीन करके इस तरफ आएंगे। यहाँ आपको देखो कॉपीराइट क्लेम दिख रहा है। एक कॉपीराइट क्लेम को टच करेंगे, कॉपीराइट जो आया है उसे टच करेंगे तो आपको सीधा वो किस तरह दूर करना है वहां ले जाएगा। एक मेरा पेज ओपन हो गया। फिर सिलेक्शन एक्शन इसे हम टच करेंगे तो इसमें 3 पॉइंट आता है दोस्तों। ट्रिम आउट सेगमेंट, यानी आपके वीडियो से उतना ट्रिम हो जाएगा, निकल जाएगा, तो मैंने यही सिलेक्ट किया है। दूसरा है रिप्लेस सॉन्ग। अगर दूसरा आप रखना चाहते हैं तो यूट्यूब म्यूजिक से बैकग्राउंड म्यूजिक रख सकते हैं। और दूसरा है म्यूट सॉन्ग, स्टॉप हो जाएगा। मगर सबसे बेस्ट है ट्रिम आउट सेगमेंट, उसे उस पार्ट को निकाल ही दे। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, जिसे ये करेंगे तो इस तरह उस पार्ट को आपको दिखाएगा वीडियो में। देखिए उसका टाइम नीचे आप दिखाएंगे प्रीव्यू में तो टाइम दिखेगा कितना समय की वीडियो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम है वो आपको यहाँ टाइम दिखाएगा। नेट खत्म हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा प्रोसेस। यहाँ तक हो गई है, उसके बाद 5-10 मिनट लगता है ये प्रोसेस हो जाएगी। अभी प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस तो प्रीव्यू करेगा। और आपके अपने वीडियो में YouTube में जाएंगे, अपने चैनल में वीडियो स्टूडियो से भी जा सकते हैं तो आप देखेंगे तो वो पार्ट हट चुका होगा और कॉपीराइट क्लेम भी हट चुका होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए माय स्माइली इंडिया। दोस्तों अगर आप नहीं हटाते हैं, 3 कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं तो आपको स्ट्राइक मिलता है और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। या कॉपीराइट जिसका आपने म्यूजिक ऐड किया है उसको आपकी इनकम चली जाएगी, तो बेहतर है उसे निकाल ही दे। मैंने ये प्रोसेस शुरू भी हो गया है, यहाँ दिखा रहा है और 5-10 मिनट में निकल जाएगा। मैं फिर आपको वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों।
अभी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कॉपीराइट क्लेम। YT स्टूडियो में ही आपको पता चलेगा, YouTube स्टूडियो में नहीं पता चलेगा। हम अपने YT स्टूडियो में जाते हैं, लॉगिन में से निकल गए क्रोम में से, और जहाँ अपना कंटेंट रहता है सभी वीडियो दिखता है, जहाँ से आप टैग डालते हैं वहाँ जाते हैं। नीचे कंटेंट ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, डेटा खत्म हो गया इसलिए दोस्तों नहीं ऊपर रहा है। तो यहाँ देखो रिस्ट्रिक्शन कॉपीराइट क्लेम आपको दिख रहा है, 5-10 मिनट में प्रोसेस होने के बाद खत्म हो जाएगा। देखते हैं कॉपीराइट क्लेम हटा है कि नहीं। तो हम YT स्टूडियो में आ गए हैं, जहाँ से हम लॉगिन करते हैं, YouTube पे वो करते हैं, टैग लगाते हैं, कंटेंट पे जाएंगे नीचे। देखिए दोस्तों पहला ही वीडियो है, हर रोज मंगाई आज़ादी का 75 महोत्सव है ना दोस्तों, 75 व्यू भी आ गया। कल 28 ही था, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो रैंकिंग कर सकती है, इसे डिलीट नहीं करना है। कॉपीराइट आ गया, राष्ट्रध्वज का गीत सॉन्ग मैंने लिया था, दो लिया था, दोनों क्लेम से हटा दिया, यही प्रोसेस थे। तो आशा रखता हूँ कि आप भी, अगर कॉपीराइट क्लेम आता है म्यूज़िक के कारण आता है, आप क्लिप लेंगे और म्यूज़िक में थोड़ा चेंज करेंगे या कुछ भी ऐड करेंगे तो कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। अगर आता है तो ये प्रोसेस आप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप कोई फ़ायदा होता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्लेम जो आता है कॉपीराइट, उससे घबराना नहीं है हमें, हमें बस अपनी गलती स्वीकार कर लेना है और इसे इस प्रोसेस से क्रोम ब्राउज़र में जाके अपने चैनल में जाके लॉगिन करके इस तरह कॉपीराइट क्लेम आप हटा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप नए यूट्यूबर हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अपनी गलतियों से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन भी दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक नई नई जानकारी समय तक पहुँचे। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। दो वीडियो की लिंक मैंने यहाँ दी है, वो भी आप देख सकते हैं और आप ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।